वृंदावन में थाना कोतवाली इलाके की रहने वाली एक वृद्ध महिला व उसकी पुत्र वधू ने मथुरा कांग्रेस के पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय उर्फ बिट्टू भैया पर उसके गेस्ट हाउस पर कब्जा करने एवं उससे बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जब इस संबंध में पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय से फोन पर बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने गेस्ट हाउस को खरीदा है जिसे खाली न करने के कारण उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा तिवारी है। अम्मा जी, अभी आप थाने में आई हैं, किस लिए आई हैं? मैं इसलिए आई हूँ भैया कि मेरा जो है मकान है, हमारा जो है गेस्ट हाउस है। कहाँ पर गेस्ट हाउस है? ये 100 फुटा रोड जो है श्यामा भाई आश्रम के बगल में 100 फुटा रोड है, उसी रोड पर हमारा मकान है। उस मकान को जबरदस्ती ये उपाध्याय दखल कर रहा है। हम लोग कब्जा चाहते हैं आपके मकान को। कब्जा कर लिए हैं उन्होंने, हमारे लड़के को धक्को दे के धोखा दे के उन्होंने कोरे कागज पर उसने जो है साइन करवा के और सब अपना कागज बना लिया। वो वकील है। जमीन आपके नाम है ना? जमीन हमारे नाम है। हमारे संग में इतना धोखाधड़ी करके आज हमारे बच्चों को बहुत सताया है। 2-4 आदमी को लेकर के सबको निकाल रखा था, निकल जाओ खाली कर दो।